तकनीकी मसला हो रहा है, आपको सुनाएंगे फौरन। प्रियंका वाड्रा वहां वोट डालने के लिए जब गई थी तब की ये तस्वीरें हैं, और ये अब रॉबर्ट वाड्रा के साथ वो बाहर आती हुई अपना वोट डाल चुकी हैं। क्या वो कहती है महत्वपूर्ण होगा। याद रखिए जब प्रधानमंत्री ने ऐसे ही गुजरात में जाकर अपना वोट डाला था और बाहर आकर बोला था तो कांग्रेस ने उस पर बड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि इसको एक रोड शो में उन्होंने तब्दील कर दिया क्योंकि जबरदस्त भीड़ वहां पर मौजूद थी। अब ये राजधानी में दोनों पहुंचे हैं अपना वोट डालने के लिए। इससे पहले राहुल गांधी ने वोट डालने के बाद बेरोजगारी, रफाल तमाम मुद्दों को सुनिए क्या कहते हैं। प्रियंका वाड्रा ये कहती हुई कि पोलिंग बूथ के नहीं बाहर आकर मैं अपनी बात कहूंगी, उसी का इंतजार है, बाहर आकर बोलती हैं। फिलहाल वहां पर तस्वीरें लोगों के साथ खिंचवाती हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद बाहर आकर। क्या कहती हैं प्रियंका, किस तरह के राजनीतिक सुर आज वोटिंग के बाद सुनाई देते हैं। लेकिन ये वो परिवार, तीन खिड़कियां जिनमें अब तस्वीरें दिखा रहे हैं आलोक मेहता जी, इसी परिवार पर एक तरह से प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा हमला रहा है बीते दिनों में, चाहे INS विराट को लेकर या फिर 84 के लेकर राजीव गांधी तक पूरी बात गई। लेकिन सवाल यही है कि हमले दोनों तरफ से हुए, प्यार की बात जरूर की जा रही है लेकिन चौकीदार पर जो नारा लग रहा है वो भी सबको पता है। अन्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस मैंने को लेकर के सबसे बड़ी चुनौती हमेशा बीजेपी मानती है और मोदी जी को भी मानना ही चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई पार्टी है तो कोई क्षेत्रीय पार्टी उस स्थिति में अभी तक नहीं आ पाई है, और इसलिए एक अच्छा प्रतिपक्ष भी सामने हो। हाँ। मुझे तो लगता है कि बीजेपी को बल्कि प्रेफर करना चाहिए कि एक बड़ा राष्ट्रीय दल हो, ये हमारे कई और मित्र उससे असहमत होंगे, लेकिन राष्ट्रीय दल ऐसा जो प्रादेशिक नेतृत्व भी, चाहे उसे क्षेत्रीय नेता कहें लेकिन उनका महत्व बने, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस भी ये जानती है कि बीजेपी जिस तरह से आगे दी तेजी से इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में उसे रोक पाना कठिन होगा, इसलिए 2024 से पहले पूरी ताकत लगाना अब उनको महसूस हुआ। लेकिन यही काम यदि वो 5 साल कर लेते जैसा अभी कहा जा रहा है, प्रियंका गांधी भी साल भर पहले नहीं और बल्कि 5 साल पहले और आ गई होती तो शायद कांग्रेस की इतनी दुर्गति नहीं होती। दिल्ली में वोटिंग के पहले आशुतोष जी, एक तरफ से प्रधानमंत्री ने कहा कि है हिम्मत तो राजीव गांधी के मुद्दे पर वोट, यहाँ पर आप चुनाव लड़िए, 84 का जिक्र आया, INS विराट पर युद्धपोत का पिकनिक के लिए इस्तेमाल का जिक्र आया। इधर से प्रियंका ने ललकारा कि मैं दिल्ली की लड़की ललकारती हूँ कि राफाइल और नौकरियों पर चुनाव लड़िए। लोगों के साथ ज्यादा क्या रेसोनेट करेगा, एक बहुत बड़ा जो मतदाता की जनसंख्या है यहाँ पर वो है ऐसे सिखों की जिनको 84